दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवंत दर्शन पर स्वागत है। आज उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उन दर्शकों के लिए उपाय लेकर आया हूं जो अभी तक बेरोजगार हैं अथवा उनको अपनी योग्यता के अनुसार अभी तक कोई रोजगार नहीं प्राप्त हुआ। कभी कभी आदमी मजबूरी में जो मिलता है वही करता है और योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलने से उसका मन नहीं लगता। तो आज का उपाय जो है यह एकदम अचूक और चमत्कारी उपाय मैं बता रहा हूं। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आप निश्चय मानिए कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार अति शीघ्र नौकरी मिलेगी। और अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा तो प्रमोशन भी अति शीघ्र इसी उपाय के करने से मिल जाएगा। यह उपाय बताने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सर्वप्रथम आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हमारे बताए उपाय अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए दर्शकों, आज का उपाय कैसे करना है, कब करना है, यह मैं पूर्ण विस्तार से बता रहा हूं। दर्शकों, अगर आपको पूरा नहीं देखना है तो आप यहीं पे पीट कर जाए, क्योंकि आधा अधूरा देखकर अगर आप उपाय करेंगे तो आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, 100% नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप या तो पूरा देखें या फिर यहीं से हमारे चैनल को कटकर आगे बढ़े। अब आइए पूर्ण विस्तार से मैं आज के उपाय की विधि बता रहा हूं। यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ कर अथवा सामने मकर संक्रांति से प्रारंभ कर या होली से प्रारंभ कर आप कर सकते हैं। दर्शकों, यह उपाय आप करने से पहले 11 गोमती चक्र की व्यवस्था कर लें। एक तांबे का थोड़ा बड़ा सा लोटा कलश आप व्यवस्था कर लें। एक बाजोट चाहिए, एक लाल वस्त्र चाहिए। अब जब से आपको उपाय प्रारंभ करना है तब सुबह स्नान कर आप लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र धारण कर आप उस स्थान पर पहुंचे जहां सूर्य की सीधी किरणों से आपका सामना होता हो। वहां जाकर सर्वप्रथम आप बाजोट को रखें। बाजोट पर आप अष्टदल बनाएं। अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप उस पर एक तांबे की प्लेट रखें। उस तांबे की प्लेट में आप गेहूं भर दें। गेहूं भरने के बाद आप जो तांबे का लोटा रखे थे वो लोटा उसके ऊपर रखें। लोटे की गर्दन में 7 बार कलावा लपेटें। उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर दें। शुद्ध जल भरने के बाद थोड़ा सा उसमें गंगा जल, थोड़ा सा रोली डाल दें और रोली से 7 बार उस लोटे को तिलक करें, उस कलश को तिलक करें। अब उसमें आपने जो 11 गोमती चक्र व्यवस्था करी है वो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र भी आप उस लोटे में डाल दें। थोड़ा सा गुड़ डाल दें और थोड़ा अक्षत डाल दें। उसके बाद आप वही लाल आसन पर विराजमान होकर हम जो मंत्र बताएंगे इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीं घृणी सूर्यमादित्य। फिर एक बार बोल देता हूं, ओम ह्रीं घृणी सूर्यमादित्य।
इस मंत्र का लाल हकीक की माला से आपको पांच माला जाप करना है। जब पांच माला जाप आपका पूर्ण हो जाए तो आप उस कलश को उठाएं और सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने से पहले आप या तो नीचे कोई पात्र रख लें या फिर गमला हो तो गमले में अर्घ दें, ताकि आपके पैरों पर सूर्य को अर्घ दिया हुआ जल ना पड़े। उसके बाद जो भी आप पात्र रखे हैं या गमला रखे हैं, उसमें जो आपने अर्घ दिया उस जल से आप अपने आप को सर्वप्रथम ललाट पर तिलक करें। उसके बाद दाएं आंख में तिलक करें, उसके बाद बाएं आंख में तिलक करें और प्रणाम कर आप अपने नित्य कार्य में लग जाए। और लोटा और उस गोमती चक्र को आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, और जो आपने गेहूं रखा है किसी सांड को खिला दें, बैल को खिला दें। और दूसरे दिन से फिर यही क्रिया लगातार 21 दिन तक आपको करना है। लगातार 21 दिन तक यह क्रिया आपको दोहरानी है और 22वें दिन से आपको सिर्फ उस गोमती चक्र वाले लोटे से आपको सूर्य को जल देना है। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपकी योग्यता के हिसाब से ईश्वर की कृपा से आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, अथवा अच्छी नौकरी लगने की सिलसिले आपकी झाड़ी हो जाएंगे और आप अति शीघ्र एक अच्छे पद पर विराजमान होंगे। दर्शकों, इस उपाय से सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार की नौकरियां लगती है। आप इस उपाय को आजमा कर देखें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। ओम गणेश।